आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल मेरी मौजूदगी जयपुर के शहीद स्मारक पर है और यहाँ मेरे साथ डिंपल मीणा के परिवारजन मौजूद है जो पिछले 4 महीने से धरना दिए हुए हैं। वही डिंपल मीणा 10 साल की मासूम मूक बाधिर बच्ची जिसकी आज से करीब 4 महीने पहले हत्या कर दी गई थी। अब ये हत्या किस तरीके से हुई, इसमें नए नए खुलासे हुए। पुलिस का कहना है कि बच्ची की जो हत्या नहीं की गई है, बच्ची को मारा गया है और उसके माँ बाप और उसके मामा पर आरोप लगाया गया, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि माँ बाप और मामा को इसमें गलत फंसाया जा रहा है। अब आखिर पूरा मामला क्या है वो परिवारजनों से ही हम जानते हैं, तो चलिए बच्ची के परिवारजनों से जुड़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, क्या है पूरा मामला? देखो, ये एक धर्म अधर्म की लड़ाई है। एक गरीब आदमी की बेटी को इस तरह से मतलब जल्लादों ने पता नहीं किस किस तरह से माँ बापों को दोषी ठहरा दिया। ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, ये पुलिस प्रशासन की, ये गरीब की लड़ाई है। तो आगे मैं इतना ही कह के आपके इधर पूछिए विराट भाई से। जी बिल्कुल, बताएं क्या है पूरा मामला। जी, ये 9 मई से चला आ रहा है ये मामला और 5 जून से धरना स्थल पे ये लोग बैठे हुए हैं और सामाजिक सभाई भी हो चुकी है और बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन भी हो चुका है, लेकिन नहीं तो राज्य सरकार और नई केंद्र सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुनी। ये 10 साल की डिंपल मीणा नाम की एक बेटी थी जो मूक बधिर थी, ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी। उसके साथ बलात्कारियों ने उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद में उसको जला दिया। जलने के बाद में उसको परिजन यहाँ से इंडोन से यहाँ लेकर आए एसएमएस में उन्होंने 10 दिन तक इलाज चला। 10 दिन बाद में उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद में अब सरकार का उन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है लगातार और इसी बीच में सरकार से की संरक्षण से ही पुलिस वालों ने मिलकर और परिवार पे ही इस आरोप को डाल दिया और वर्तमान स्थिति ये है कि चालान पेश हो गया पिछली पाँच तारीख को और चालान में माँ बाप और मामा को ही आरोपी बना दिया गया है और लड़ाई जारी है और बहुत बड़े स्तर पर। तो इसमें पुलिस ने SIT का गठन किया, सरकार ने SIT का गठन किया, उसके बाद माँ बाप और मामा को ही आरोपी बता दिया, तो माँ बाप और मामा पे किस तरीके से शक गया, क्यों उनको आरोपी बताया गया? देखो, इसकी पुष्टि तो पुलिस करेगी उनको क्यों बनाया और क्यों नहीं बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपराधी जब बच्ची बयान दे गई, सारी पुष्टि कर गई, बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हो गई, सारी पुष्टि हो गई, बच्ची 65% जल चुकी है और इसमें बहुत बड़ा एक सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है और मेडिकल डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है। तो इस वजह से इस मामले को इसलिए दबाया जा रहा है ताकि, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं सरकार से संबंध रखते हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं वर्तमान सरकार में। और बच्ची ने जो बयान लिया है उसका नाम था ललित शर्मा, आरोपी का नाम, और ललित शर्मा कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा नेता रिश्तेदार है, उसका नाम था अशोक पाठक, वर्तमान जो भजन लाल है उसका खास मित्र है। तो कहीं ना कहीं हम बात करें तो डायरेक्ट इसमें भजन लाल जी इन्वॉल्व है और भजन लाल जी इन्वॉल्व है तो केंद्र सरकार भी शामिल ही है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के रिश्तेदार है, इसीलिए इस मामले को दबाया जा रहा है? हमारा कहना नहीं, ये बिल्कुल सत्य है ये बात, इसमें वर्तमान सरकार का हाथ है इस मामले को दबाने में और इस बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है और इस परिवार पे पूरा आरोप मन दिया है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें सरकार के मंत्री लेवल तक के लोगों का हाथ है। अब देखो आगे तक हमारी लड़ाई जारी है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। काका, क्या मांगे आप सरकार से? सरकार से हम तो ये है कि मुलजिम को सही को पकड़ा जाए और माता पिता को इसको छोड़ा जाए, क्योंकि मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि लड़की जली कैसे। ये कहते हैं कि माँ ने जला दिया, अरे तो माँ को तो उसको बुलाया, बोला जब जाके उसको उठा के लाइए जली हुई को, तो माँ ने जला कहाँ दे दिया, और माँ जला के फिर उसको हॉस्पिटल ले जाती, हॉस्पिटल ले जाके यहाँ जयपुर उसको रिपेयरिंग के लिए, यहाँ उसको इलाज के लिए लेके आते क्या? अच्छा काका, पुलिस का कहना ये है कि शुरुआती जाँच में जो पेट्रोल की बोतल थी वो घर से ही बरामद हुई थी। तो घर पे तो वो सपोज वो लेके भी आई तो पुलिस को सैंपल वो देने के लिए कि भाई ये बोतल वहाँ पड़ी थी, क्योंकि ये लोग तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा जल गई
वहाँ हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वालों ने उसको जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर रेफर करने का मतलब है कि उनको तो टाइम मिला नहीं, वो तो 4-5 दिन तो यहीं बैठे रहे। अब उस पीरियड में पुलिस ने क्या किया छानबीन के अंदर, हो सकता है पुलिस वाले वहाँ उठा के बोतल ले जाके वहाँ डाल दिया हो कि ये सब ये हमको सबूत मिला है, ये सब पुलिस की कार्रवाई है। तो दिल्ली कैसे, पहले तो यही प्रपोजल है कि दिल्ली कैसे। अच्छा, आप लोग यहाँ कितने दिन से धरने पे बैठे हुए हैं? ये 3.5 महीने हो गए। अच्छा, 3.5 महीने से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से किस तरीके की सुगबुगाहट है? कोई नहीं आ रहा सरकार की तरफ से, बस हम बैठे हैं धरने पे, बैठे रहो उनका कहना ये है और कोई। अच्छा, कल किरोड़ी बाबा यहाँ आए थे, उनकी तरफ से क्या कुछ सहायता मिली? उन्होंने कहा, बोला ठीक है मैं जांच करता हूँ पहले कि सही हकीकत क्या है, मेरे को हकीकत मालूम पड़ेगा तो उसके बाद में फिर 19 तारीख को कोई प्रोग्राम करने का विचार है उनका, सरकारी अधिकारियों को बुलाने का, तो उसमें वो काट छाट करेंगे क्या है हकीकत में। बिल्कुल काका, और भी लोगों से यहाँ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब क्या मांगे हैं लड़के का। जो जी बताएं, माता पिता को जो करेंगे वो यहाँ पॉइजन दे दिया SMS में, तो SMS में क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, कंपाउंडर नहीं था, नर्स नहीं थे या पुलिस नहीं थी, तो उसको पॉइजन दिया तो कब दिया, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ये सब पुलिस की कार्रवाई है, मनगढ़ंत कहानी है। और वो भी बोलते हैं 24 घंटे बाद उसका रिएक्शन हुआ है, तो क्या पॉइजन देने के बाद 24 घंटे तक वो आदमी जिंदा रह सकता है कोई? बिल्कुल। तो उन्होंने 24 घंटे बाद डिक्लेयर किया, जबकि उस पीरियड में लड़के के माँ भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं थे यहाँ पर, खाली हॉस्पिटल में उसके एक मामा थे बस। अच्छा, सिर्फ वहाँ मामा की मौजूदगी थी, माँ और बाप में से किसी की मौजूदगी नहीं थी? दोनों मौजूद नहीं थे, जबकि उनको तीनों को पकड़ लिया। उस वक्त उन दोनों की मौजूदगी कहाँ थी? वो गांव थे, कोई डिंपल के चक्कर में ही वहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग के चक्कर में गए हुए थे उसके पापा, भाई हमारी बेटी का कुछ न्याय करो। अच्छा, आप लोगों का जो शक है वो सिर्फ बच्ची के बयान के तौर पे पुख्ता हुआ है? बच्ची के बयान पे, पहले जब FIR दर्ज करवाई थी तो किसी का नाम नहीं लिया था हमने, लेकिन जब पुलिस को या SMS के अंदर जांच बात हुई और उसने लड़की ने बताया, उसको फोटो दिखाए, 15-20 फोटो दिखाने के बाद उसने इंडिकेट किया कि यह आदमी था, पर्टिकुलर एक ही आदमी के ऊपर इंडिकेट किया उसने। जबकि वहाँ पर उसको जब माँ उठा के लाई, माँ ने पूछा अरे क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, उसने इंडिकेट किया था कि दो थे और वो इधर गए जंगल में, उस तरफ भी बच्चे ने इंडिकेट किया था, खेत की तरफ गए, खेत की तरफ गए दो आदमी। अच्छा, तो आप लोगों का जो शक है वो एक व्यक्ति पे है, दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा आरोपी कौन है? तो पुलिस बताए ना, आप लोगों का शक किस पे? हमारा कोई शक नहीं किसी के ऊपर, शक किस हो तो बताए ना, हमारे तो शक उसके ऊपर भी नहीं था, वो तो लड़की ने बताया कि ये आदमी था ललित शर्मा, ये तो हम लोग तो ललित शर्मा का नाम भी नहीं करते थे। अच्छा, उसको जो जलाया, बोला लड़की की माँ ने जलाया, तो लड़की की माँ उसको घर पे जलाती या दूसरे के खेत में ले जाके जलाती, ये भी एक पॉइंट है कि वहाँ लड़की खेलने के लिए गई थी और वहाँ उसको जला दी। बिल्कुल काका, बताएं आप क्या मांगे अब सरकार से, क्या चाह रहे हैं अब सरकार से? हम चाह रहे हैं हमारी बेटी का बिल्कुल एकदम जांच करके न्याय चाह रहे हैं, और न्याय चाह रहे हैं, सरकार ने न्याय नहीं किया तो हमारी लड़ाई आर पार रहेगी। बाबा साहब, डॉक्टर साहब, 19 तारीख तक हम धरने पे हैं और वो आ जाएंगे। मीणा समाज हमारी बहुत तेज़ी से जगह जगह गुजर समाज की तरह, और चक्के जाम हो जाएंगे, रेल उखड़ जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन डिम्पल को जब वो बेटी जलाई थी, खुद जलती तो पेट्रोल मुंह पर पटक दी, आग लगती तो हाथ बुझाती, उसका फोटो देख लो, हाथों में निशान नहीं, हाथ पैर जकड़ बंद करके बलात्कार करके उससे, और उन्हीं लोगों ने उसके गुप्तांगों को नष्ट करने के लिए, सबूत नष्ट करने के लिए आग लगा दी। ये आप देखा जाता है तो देख सकती हो, ये देखें आप किस तरीके से देख रहे हैं बच्ची की क्या हालत हुई थी, ये हालत उन गुंडों ने की थी। साथ इस वक्त डिंपल मीणा की दादी मौजूद है, अब दादी से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी, किस वक्त आपको पता लगा कि बच्ची की हत्या कर दी गई, बच्ची जलकर? मैं हमारे घर के कहीं थोड़ा जोर से बोलो।
आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 4 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं और ये इनके लिए बहुत ही भावुक पल है। ये बोल भी नहीं पा रहे हैं, इस तरीके 4 महीने हो चुके हैं इन्हें, बच्ची को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। बताइए। मैं घर के गई, मो को बेटा ने फोन करो जी आप लाली बढ़ा दी, जब वो मेरे भतीजे पहुँचा गया है, मेरे दोनों माँ बेटे बाद जयपुर ले आए, तो यार नहीं रही दे तो रही नहीं। अब फिर अज भैंस भी अपनी माँ भैंस बंद रही, दूध बेचे टाइम पास कराए इनकी, अज वापस तो चली गई, छोरा चलो मैं रही, जब बाप माँ मार मैं रह गई माँ छोरी खिला, तो फिर अज फिर चाचा ये रहे लग गए, फिर अज खत्म हो गई 11 दिन में। चाहे हम तो कोई मिल जाए तो, और छोरी बयान कर गई बता गई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका कहना बस ये है कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बच्ची दम तोड़ने से पहले खुद इशारा करके अपने आरोपी का नाम लेकर के गई है, बता के गई है कि उसका आरोपी कौन है। इसके बाद भी उस बच्ची को न्याय मिल नहीं मिल पा रहा है, कब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? देखिए आप, वो कहता है कि मैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत बड़ा हूँ। भजनलाल जी जो सीएम साहब है, मेरा बिल्कुल बाएं हाथ में चाय पी के आता हूँ, रिश्तेदारी है उनकी। अच्छा, मतलब खुलेआम वो ये बातें कह रहे हैं? हाँ, खुलेआम कह रहे हैं, डोल रहे घूम रहे हैं, मेरा क्या बिगाड़ लेगा कोई। ये बात है, और यही बात हम मीणा समाज का बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब मैं इतनी बात जी बिल्कुल, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। जी भाई साहब, किस तरीके से इस मुद्दे को दबाया जा रहा है? अभी मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि सरकार खुद इस मुद्दे को दबा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि ये सरकार इस मुद्दे को दबा रही है, क्योंकि इसमें सरकार से जुड़ा हुआ ये मुजरिम है, जो ललित शर्मा बच्ची ने बयान दिए थे, और बयानों के मुताबिक जो ये ललित शर्मा आया है वो अशोक पाठक का कोई रिश्तेदार है। अशोक पाठक RSS का आदमी है, BJP में बहुत ऊँची पकड़ है इसकी, इसलिए इस मुद्दे को दबाया जा रहा है। इसमें ये राजनीतिक मुद्दा है बस। अच्छा, राजनीतिक मुद्दा है बस, इसीलिए इसको दबाया जा रहा है। ये फोटो है। अच्छा, आरोपी की फोटो है ये? आरोपी की। अच्छा, चाचा की। ये देखिए आप, ये आरोपी की फोटो भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये आरोपित के चाचा हैं, और आरोपी खुलेआम ये कह रहा है कि वो भजनलाल शर्मा जो कि CM है उनका रिश्तेदार है, इसीलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ। अब आप लोग 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में BJP की तरफ से यहाँ कोई नेता आया? नहीं, ऐसा राजनीति की तरफ से कोई नहीं आया, सरकार की तरफ से। हमें सिर्फ कल बाबा साहब जरूर आए थे, तो बाबा साहब आकर के यहाँ पे धरने पे, और यहाँ बच्ची जो डिंपल मीना थी उसकी दादी थी यहाँ पे, और उनके साथ में उनके चाचा और उनके छोटे बहन थी, तो वो आकर के थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट आके और विचार विमर्श किया, फिर वो चले गए। अच्छा, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा इस पे इंसाफ दिला पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आदिवासी मीणा समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, और उनकी पकड़ भी है राजनीति में, और उनके पीछे पूरा समाज खड़ा हुआ है। अब तो एकमात्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही विकल्प है हमारे पास में, आदिवासी मीणा समाज के पास में, न्याय को लेकर के। जी, देखा आपने कि किस तरीके से जब हमने परिवारजनों से बातचीत की तो परिवारजनों ने बताया कि सरकार खुद इस मुद्दे को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि जो आरोपी है वो खुद सरकार का रिश्तेदार है, और आरोपी इस वक्त भी खुलेआम घूम रहा है। आरोपी का कहना है कि सरकार से उसका नाता है, इसीलिए सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी परिजन पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, आखिर इनका ये धरना कब खत्म होगा? आखिर उस मासूम 10 साल की बच्ची को कब न्याय मिलेगा? क्या 4 महीने से जो परिजन धरने पर बैठे हुए हैं, इनकी जो आरोप लगा रहे हैं, ये इनके आरोप जो सिद्ध होंगे तो किस तरीके से उस बच्ची को कब न्याय मिलेगा? कितना लंबा ये धरना चलने वाला है? कल किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पे आए, अब इन लोगों का कहना है कि इनके पास एक ही विकल्प बचा हुआ है, सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा, और किरोड़ी लाल मीणा ही इन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत के साथ मैं खुशबू सिंह, द PK टाइम्स के लिए।